दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो छोटी सी स्टोरी है इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उन वर्डों की करेक्ट प्रोनंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो आप ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है और जो ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है आप उसे बहुत ही अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द मॉनिटर। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है, और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे ऑल द स्टूडेंट्स वर वेरी एक्साइटेड एज दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक। क्या मतलब हुआ? वन डे ऑल द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित होना, जो कि एक एडजेक्टिव है। और ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का है। जब भी हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ किसी एडजेक्टिव या नाउन को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो इस तरह के वाक्य को सिंपल पास्ट कहा जाता है, जिसमें किसी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन All the students were very excited. जो सारे विद्यार्थी थे वो बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। As जैसे कि they were going, वह जा रहे थे for a picnic, एक picnic के लिए, जिसको हम सैर सपाटा कहते हैं, वो एक picnic के लिए जा रहे थे। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है were going, ये past continuous का वाक्य है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक दिन सभी स्टूडेंट, सारे विद्यार्थी बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। जैसे कि दे वर गोइंग फॉर ए पिकनिक, मतलब कि वे पिकनिक के लिए जा रहे थे। चलिए आगे देखिए। द टीचर कॉल्ड अर्जुन एंड सेड। कॉल का मतलब होता है बुलाना या पुकारना। और दोस्तों ये जो हमारी जो आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनेट में है, और जब भी हम पास्ट इंडेफिनेट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं वहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? द टीचर कॉल्ड अर्जुन, टीचर ने, शिक्षक ने अर्जुन को बुलाया एंड सेड, और कहा, अर्जुन आई अपॉइंट यू एज द मॉनिटर ऑफ द क्लास। क्या मतलब हुआ? दोस्तों अपॉइंट का मतलब होता है किसी को नियुक्त करना। तो क्या मतलब हुआ? अर्जुन आई अपॉइंट यू, मैं आपको नियुक्त करती हूँ एज द मॉनिटर। एज द मॉनिटर मतलब मॉनिटर के तौर पर, मॉनिटर के रूप में मैं आपको नियुक्त करती हूँ ऑफ द क्लास, क्लास की। You must see, must का मतलब होता है अवश्य ही। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की एडवाइस देते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो यदि हम उसके अंदर किसी भी स्ट्रॉन्ग एडवाइस को देना चाहते हैं जहाँ पर अवश्य का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर must का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? You must see, तुम्हें अवश्य ही देखना चाहिए, दैट की ऑल द स्टूडेंट्स, की जो सारे स्टूडेंट्स हैं बिहेव प्रॉपरली, कि वो मतलब कि अच्छे तरीके से व्यवहार करें। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? यू मस्ट सी, आपको अवश्य ही देखना होगा दैट कि ऑल द स्टूडेंट्स, की जो सारे विद्यार्थी हैं बिहेव प्रॉपरली, वो अच्छे तरीके से व्यवहार करें, ठीक से व्यवहार करें कह सकते हैं, प्रॉपरली मतलब ठीक से। चलिए आगे देखिए। सी मतलब कि देखना, दैट कि नो वन पुट्स हिज और हर हैंड और हेड आउट ऑफ द विंडो। क्या मतलब हुआ? सी मतलब इस चीज़ को देखना, दैट की नो वन मतलब कोई भी पुट्स ना रखे, नो वन पुट्स हिज और हर हैंड मतलब कि अपना हाथ, और ये हिज और हर का मतलब है, हिज मतलब कोई मेल के लिए और हर मतलब फीमेल के लिए। मतलब क्या मतलब हुआ इस लाइन का? कि आप इस चीज़ को देखना कि कोई भी अपने अपना सर, अपना हाथ या सर ना रखे, रख पुट मतलब रखना, ना रखे आउट ऑफ द विंडो मतलब खिड़की के बाहर, ऑफ द बस, बस के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि इस चीज़ को देखना कि कोई भी जो है वो अपने हाथ या सर को खिड़की से बाहर ना रखे। चलिए आगे देखिए। एंड ऑल्सो रिमेंबर, और इस चीज़ को ध्यान रखना, रिमेंबर मतलब ध्यान रखना या फिर याद रखना, और इस चीज़ को याद रखना, टू काउंट गिनती करने को, द नंबर संख्या ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की, वाइल कमिंग बैक, वाइल का मतलब दौरान, वाइल कमिंग बैक वापस आने के दौरान। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एंड ऑल्सो रिमेंबर टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इस चीज़ को भी याद रखना, क्या याद रखना, टू काउंट गिनती करना, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों की संख्या को गिनती करना, वाइल कमिंग बैक वापस आने के दौरान। चलिए आगे देखिए।
अर्जुन सैड, अर्जुन ने कहा यस मैम, हाँ मैम, आई विल डू, मैं करूँगा, एज यू से, जैसा आप कहते हो। एट द पिकनिक, मतलब कि पिकनिक पर या सैर पर, ऑल द चिल्ड्रन, जो सभी बच्चे थे, ऑल द चिल्ड्रन इन्जॉयड, मतलब कि उन्होंने आनंद लिया उस चीज़ का, मज़ा लिया, एंड हैड फन, और उन्होंने मज़े किए। हैड फन का मतलब मज़े करना पास्ट में, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि एट द पिकनिक, पिकनिक पर ऑल द चिल्ड्रन इन्जॉयड, जो सारे बच्चे थे सब ने इन्जॉय किया, आनंद लिया, एंड हैड फन, और उन्होंने खूब मस्ती की। देन फिर एवरी वन सैट इन द बस, ये सिट की सेकेंड फॉर्म है, मतलब, और ये पास इंडेफिनिट का वाक्य है। देन फिर एवरी वन, मतलब कि हर कोई, सैट बैठ गया इन द बस, बस में बैठ गया, टू गो बैक, वापस जाने के लिए, टू गो बैक होम, घर जा वापस जाने के लिए। इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देन एवरी वन सैट इन द बस, मतलब फिर हर कोई बस में बैठ गया, टू गो बैक होम, वापस घर जाने के लिए। चलिए आगे देखिए, द टीचर सॉ अर्जुन। दोस्तों ये जो वर्ड है एस ए डब्ल्यू, ये सी की सेकेंड फॉर्म है, सॉ, सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। फिर क्या मतलब हुआ इस लाइन का, द टीचर सॉ, मतलब टीचर ने देखा अर्जुन, अर्जुन को, पुटिंग हिज हेड आउट ऑफ द विंडो, क्या देखा, द टीचर सॉ अर्जुन, टीचर ने मतलब कि शिक्षक ने अर्जुन को देखा, पुटिंग हिज हेड, पुट मतलब रखना, पुटिंग हिज हेड आउट ऑफ द विंडो, मतलब कि खिड़की से बाहर अपने सर को रखते हुए, एंड पीपिंग, पीप का मतलब होता है झांकना और झांकते हुए, शी वॉज वेरी एंग्री, एंग्री का मतलब होता है नाराज़ होना, शी वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, सो इसलिए शी स्कॉल्डेड अर्जुन, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, वर्ब है, और स्कॉल्डेड इसकी सेकेंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ, सो इसलिए शी स्कॉल्डेड अर्जुन, उन्होंने अर्जुन को डांटा, हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर। दोस्तों इररेस्पॉन्सिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि मतलब किसी चीज़ की परवाह ना करता हो, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, हाउ इररेस्पॉन्सिबल यू आर, मतलब कि तुम कितने ज़्यादा लापरवाह हो। अर्जुन, आई मेड यू द मोनिटर, मतलब कि मैंने तुम्हें मोनिटर बनाया, और दोस्तों ये मेक की सेकेंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का, आई मेड यू द मोनिटर, मैंने तुम्हें मोनिटर बनाया, एंड यू योर सेल्फ आर ब्रेकिंग रूल्स, क्या मतलब हुआ, ब्रेकिंग रूल मतलब होता है नियमों को तोड़ना, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि आप कितने ज़्यादा इरिस्पॉन्सिबल हो, कितने ज़्यादा लापरवाह हो। यू अर्जुन, आई मेड यू द मोनिटर, मतलब मैंने आपको मोनिटर बनाया, एंड यू योर सेल्फ आर ब्रेकिंग रूल्स, मतलब और तुम खुद, योर सेल्फ मतलब खुद, और तुम खुद जो है नियमों को तोड़ रहे हो, रूल्स को मतलब कि नियमों को तोड़ रहे हो। चलिए आगे देखिए, अर्जुन बोर्ड हिज हैड, बो का मतलब था झुका लेना, और सेकंड फॉर्म में बोर्ड क्या मतलब हुआ, अर्जुन बोर्ड हिज हेड, अर्जुन ने अपना सर झुका लिया, एंड सैड, और कहा सॉरी मैम, मतलब सॉरी मैम, बट लेकिन आई वॉज एक्टिंग, मतलब मैं काम, आई वॉज एक्टिंग एज पर योर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस का मतलब था निर्देश, तो उस लाइन का क्या मतलब हुआ कि अर्जुन बोर्ड हिज हेड, अर्जुन ने अपना सर झुका लिया, एंड सैड, और कहा सॉरी मैम, बट लेकिन आई वॉज एक्टिंग एज पर योर इंस्ट्रक्शंस, लेकिन मैं एक्ट कर रहा था, एक्ट करने का मतलब होता है किसी कृत्य को, किसी काम को करना, मैं काम कर रहा था, आई वॉज एक्टिंग एज पर योर इंस्ट्रक्शंस, आपके आदेशों के अनुसार। चलिए आगे देखिए, आई वॉज लुकिंग आउट टू सी दैट नो स्टूडेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, लेफ्ट बिहाइंड का मतलब होता है पीछे छूट जाना, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई वॉज लुकिंग आउट, मैं बाहर देख रहा था, टू सी ये देखने के लिए, दैट कि नो स्टूडेंट इज लेफ्ट बिहाइंड, कि कोई भी जो विद्यार्थी है वो बाहर या पीछे ना छूट जाए। द टीचर वॉज वेरी हैप्पी टू नो दैट अर्जुन वॉज अ गुड मोनिटर, जो टीचर थी वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, वॉज वेरी हैप्पी टू नो, ये जानकर, दैट कि अर्जुन वॉज ए गुड मोनिटर, कि जो अर्जुन है वो एक अच्छा मोनिटर है। तो दोस्तों आइए, आज की एक बहुत छोटी सी स्टोरी है, और शायद इस स्टोरी के अंदर ऐसा कोई मॉरल भी नहीं है, इसके अंदर जो ज़्यादा था वो ट्रांसलेशन का ही जो पार्ट था, जो मैंने कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय।